हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेल्कम टू अनअकैडमी 11th एंड 12th. बच्चे, एक बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट आ रही है फ्रॉम सीबीएसई. जैसे कि हमें पता है कि 12th के 2021 वालों के एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, बट ये दुविधा अभी हम सबके मन में है कि यार मार्कशीट्स कैसे बनने वाली हैं, मार्कशीट्स में किस फॉर्म में हमारे नंबर लगने वाले हैं. अगर किन्हीं स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स नहीं हुए तो प्रैक्टिकल्स के नंबर कैसे भेजेंगे, इंटरनल्स के नंबर कैसे भेजेंगे. तो इन सब का टाइम सीबीएसई ने दिया था 11th जून तक सभी स्कूल्स को, बट कई स्कूल्स इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में सफल नहीं हो पा रहे बिकॉज ड्यू टू पेंडेमिक वो एग्जाम्स ले ही नहीं पाए, प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं ले पाए, इंटरनल्स के उनको मार्क्स नहीं पता चल रहे कि कैसे लगाने हैं. तो अब सीबीएसई ने ये डेट एक्सटेंड करके 28 जून कर दी है. सीबीएसई का एक नोटिस निकला है कि 28 जून तक, 28/6/2021 तक सभी टीचर्स को बोला गया है ऑफ एवरी स्कूल कि वो हर एक बच्चे का इंटरनल प्लस प्रैक्टिकल का एग्जाम का नंबर जोड़ के एक रिपोर्ट तैयार करें ताकि सीबीएसई को इस चीज में हेल्प मिल सके कि कैसे रिजल्ट या फिर मार्कशीट तैयार करना है बच्चों का. सो 28 जून एक आखिरी डेट आई है और जिन भी स्कूल्स ने अभी तक प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करे हैं उनको बोला गया है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट कीजिए, आपके पास अब 28 जून तक का टाइम है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड का सहारा लेना है. तो जिन स्कूल्स पर तो इंटरनल्स मतलब एक्सटर्नल्स आ सकते हैं अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन देने, तो एक्सटर्नल प्लस टीचर ऑनलाइन मोड पर ही आपका वाइवा कंडक्ट करेंगे, बट जिन स्कूल्स में एक्सटर्नल्स नहीं अवेलेबल हो सकते प्रैक्टिकल्स के लिए उनको बोला गया है कि जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स होंगे वो प्रैक्टिकल्स लें और 28 जून तक रिजल्ट तैयार करके दें. सो स्टे ट्यून्ड विद मोर अपडेट्स. बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू.